ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तीसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, निरहंकारी बनने की जरूरत है। कोई भी प्रकार का अभिमान नहीं हो। अगर जिसको अभिमान है वो भी सोल कॉन्शियस में नहीं रह सकते, क्योंकि अभिमान वालों के संकल्प तेज चलते हैं। मुझे पूछा ही नहीं, मैं इतना सहयोग किया, मुझे बिना पीछे किया, ये पूछ पूछ की पूछ। और जिसको ये पूछ है, पूछ वाले लोग कभी भी सत्युग में नहीं होते। सत्युग में पूछ वाले लोग कहां हैं? त्रेता युग में राम के साथ जितने भी भगत है बंदर, सबको क्या है? पीछे से पूछ है। तो आपको सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है? अगर सत्युग में जाना है, ये मईपन की पूछ को काट दो। गोप गोपिका को किसी को भी पूछ नहीं है। इसलिए अगर आत्माभिमानी बनना है, निरहंकारी बनो। बाबा ने भी, ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में शरीर छोड़ने से पूर्व 3 मंत्र पक्का कराया था, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति में रहेंगे। शिव बाबा सबका प्यारा क्यों है? क्यों प्यारा है? क्योंकि शिव बाबा निरहंकारी है। जो निरहंकारी है वही शांति का सागर, वही आनंद का सागर, शक्ति का सागर। कर्तापन का अभिमान होता तो फिर बाबा शांति का सागर, आनंद का सागर ना बनता। इसीलिए बाबा, बाबा के लिए गायन है ना, सब कुछ करके अपने आप को छिपाया। इसी तरह हमारी भी स्थिति चाहिए। इस हाथ ने दिया, इसको पता भी नहीं चलना चाहिए क्या दिया, कितना दिया। इतना निरहंकारी स्थिति।